यहाँ पे यूरेनियम रिजर्व्स हैं। बाय बाय बाय। तो ये है भाई सारा काशा गांव। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको, नमस्ते, राम राम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी हम हैं भाई काशा गांव में, रात को वहीं पे आके रुक गए थे और अभी हम आए हैं यहाँ पे। भैया का घर बन रहा है, एक बार हेलो कर दो भैया। तो भाई जो भी ये कर रहे हैं, ये जो भी काम चल रहा है, ये बीम वीम डाली जा रही है एक तरीके से, थोड़ी ग्राउंड लेवल से ऊपर, ताकि कभी भी भूकंप आता है ना तो ये सहन कर लेंगे, घर इससे हिलेगा नहीं। तो ये नॉर्मल किसी इंजीनियर या फिर कहीं बीटेक कराते हैं ना तो वो चीज़ नहीं सिखाते, ये बिल्कुल देसी वाली इंजीनियरिंग है, पूरी प्रॉपर इंजीनियरिंग पूरी, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, आपको पूरा आगे का गांव की पूरी सैर कराऊंगा आज। और जो ऊपर देख रहे हो भाई, ये है अखरोट का पेड़, और वहाँ दिख रहे हैं पीछे बर्फीले पहाड़। आप इस गाँव में आके देखो, इतनी शांति और बिल्कुल लोकल लाइफ जीने का मौका मिलता है भाई। घर देखो यहाँ पे, ये स्लेट से बना रखे होते हैं भाई, और इन पे तरपाल ढकनी इसलिए पड़ती है क्योंकि स्नोफॉल के टाइम पे जो स्लेट होती है ये खिसक जाती है, तो इसलिए तरपाल डालनी पड़ती है और फिर वापस इन स्लेटों को ठीक करना पड़ता है। हमारी जो दुलारी खड़ी है, रात को जो हमने दुलारी अपनी खड़ी करी थी, वो यहाँ पे खड़ी कर रखी है। और यहाँ आ गई है भाई बहुत सारी भेड़ें आ गई हैं यहाँ पे। यहाँ का मोस्टली जो आजीविका है, यहाँ की खेती पे डिपेंड है या फिर बकरियों के ऊपर डिपेंड है। और यार ऊपर है स्नो केप माउंटेन्स, ये देखो कितना बड़ा बकरा है, ये सींग मार देगा मेरे। बहुत सारी वीडियोस में आता है ना, सींग मार देता है बकरा। बाकी वो वहाँ के खेत हैं यार, ये यहाँ का आखिरी विलेज है, इसके आगे कोई यहाँ से विलेज नहीं पड़ता है। और बारिशों के टाइम पे अगर आओगे तो यार यहाँ पे जो मैंने कल आपको तीन वाटरफॉल दिखाए थे, वहाँ पे वो तीन की जगह पांच हो जाते हैं। इस गांव में ऐसा पाया गया है कि यहाँ पे यूरेनियम रिजर्व्स हैं। तो गवर्नमेंट इतना कुछ कर नहीं रही है, बीच में ना फैक्ट्रीज खुली थी, मतलब 1985-86 की बात है, बंद हो गया है, लेकिन यहाँ पे यूरेनियम है ऐसा बोला गया है। और ये है यहाँ पे बिल्कुल देसी पानी वाली चक्की जिसमें आटा पीसते हैं भाई, अंदर सारा सिस्टम है, अंदर देख नहीं सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल है। वो अंदर दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे शाफ्ट है, वो पानी जब आता है तो घूमता है वो, और ऊपर पत्थर ही रखते होंगे ना भैया रगड़ने के लिए। तो पत्थर होते हैं वो, आपस में एक दूसरे के बीच में घूमते हैं और गेहूँ वहाँ पर जाता है और पीसता रहता है। जैसे ये देख रहे हो, यहाँ पे आ रखी है भाई फ्लावरिंग एप्पल के पेड़ पे, और जो सेब पूरा एक्चुअल बन के तैयार हो जाएगा, ये अगस्त से सितंबर के आसपास तक पूरा तैयार हो जाता है, है ना, कितना शांत और मज़ेदार। यहाँ पे क्या ही सुंदर वाटरफॉल है छोटा सा, वहाँ नहाने का मन कर रहा है, बट कपड़े तो हैं मेरे पास, ठंड लग सकती है, और हमारी अभी ट्रिप बहुत बड़ी है, बीमार नहीं होना चाहता मैं। ये लाल फूल देख रहे हो आप, और जो उधर पिंक फूल देख रहे हो भाई, ये हैं हिमाचल के स्टेट फ्लावर, उनको कहते हैं बुरांश के फूल। और भाई वाटरफॉल ये ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, बिल्कुल एकदम साफ पानी, बिलसहरी की तरह ऊपर देख सकते हैं। वो रह गए वहाँ से, नीचे से आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और ऊपर। नीचे रास्ता उस वाटरफॉल के बाद, अब हमको दिखाएंगे दूसरा वाटरफॉल, चलते हैं, बने रहिए वीडियो में।
जो वाटरफॉल का रास्ता है वो हमें छोड़ दिया था नीचे, और अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं इन कांटों को साइड करते हुए। बहुत मोटे मोटे कांटे हैं यार, सिरिन सी लग जाएगी। ये है दूसरा वाटरफॉल यहाँ पे, बिल्कुल सीधा आगे, और जाके दिखाता हूँ आपको, ये देखो। तो भाई हल्की हल्की बारिश होनी हो गई है स्टार्ट, अब हम जा रहे हैं वापस घर को इन रास्तों से। आप ये देख रहे हो, इसको डोगरी कहते हैं। इसके आगे ना जैसे बेल लगा रखी है और डंडी अटका रखी है, अगर हम इसको खोलने जाएंगे ना तब भी नहीं खुलेगा। इसका भाई एक सॉलिड मैकेनिज्म है यहाँ पे, जो ये लकड़ी दिख रही है पहले इसको क्या है हमें बाहर की तरफ खींचना पड़ता है, ऐसे पूरा खींचेंगे, पूरी ये जितनी बड़ी है पूरी बाहर निकल के आएगी, तब जाके ये गेट खुलेगा, नहीं तो ये नहीं खुलने वाला। तो वही हम है भैया के साथ, आज हमारे मास्टर शेफ भैया बना रहे हैं खीर। ये आंटी, आंटी एक बार हेलो कर दो, ये भैया की मम्मी है और आज हम रात को खाना खाएंगे। अभी अभी भैया खीर बनाने में लगे हुए हैं, ये भैया है। और भाई जो पीछे आप घर देख रहे हैं यहाँ पे मैं रुका हुआ था आंटी अंकल के साथ, भैया अभी सो रहे हैं, भैया जब उठेंगे भैया से मिलवाता हूँ आपको। और भाई ये जो है ये है सूखी दारू, अभी अभी बनेगी दारू, अभी बनी नहीं है, फिर उसको डालेंगे इसमें, इसमें इसको 10 दिन के लिए रखेंगे, उसके बाद इसको छानेंगे जो बन के तैयार होएगा फिर बनेगी असली, ठीक है। तो जिस जिसने पीनी हो गाँव में आ जाना। तो यार आज है हमारा दूसरा दिन काशा पाठ में, सुबह का टाइम हो गया है 9, और आज हम निकलने वाले हैं यहाँ से, और बहुत ढेर सारी यादें और ढेर सारा प्यार लेके। आंटी जी है यहाँ पे, आंटी है, ये अंकल है यहाँ पे, और वो भैया है, भैया मुंह ओढ़ के बैठे हुए, भैया का मन नहीं कर रहा, बोल रहा मैं नहीं करने वाला भाई। और ये है आंटी, उसका गान रहे हैं अपना, हेलो हेलो कर दो आंटी, तो लेके आंटी आंटी का आशीर्वाद। मैं यहाँ से जा रहा हूँ बहुत सारी यादें लेके, बहुत सारा प्यार लेके, कभी फिर से आएंगे आंटी, ठीक है जल्दी से आना बेटा, कभी फोन करना, बाय बाय। आ जाओ साथ में चलते हैं, आ जाओ नीचे, तो अंकल के साथ नीचे जा रहे हैं हम, आगे भैया हमारी साइकिल लेके जा रहे हैं। उस दिन रात को भाई हम जब पहुंचे थे हम इसी रास्ते से लेके आए थे साइकिल को, तब तो अंधेरे में कुछ दिखा नहीं पाए, इसलिए अब दिन के उजाले में, सुबह के उजाले में दिखा रहा हूँ मैं आप सबको। ये पीछे आपको रोड दिख रहा है, और जहाँ पे मैं हूँ कंटिन्यूस ऐसी आगे रोड है भाई 15 किलोमीटर। यहाँ पे ना रोड को आने में कम 35 से 40 साल लग गए थे यार, और अभी भी ना कनेक्टिविटी पूरी तरीके से नहीं हुई है, बस एक पर्टिकुलर लोकेशन तक आती है, उसके बाद आपको पैदल ही चल के जाना पड़ता है, और इससे पहले लोगों को पहाड़ चढ़ के जाने पड़ते थे, सुबह 8 बजे चलते थे तो दोपहर में 4-5 बजे के आसपास पहुंचते थे, इतनी स्ट्रगल थी यहाँ पे आने के लिए। अभी भी है इतनी नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी। बाकी आने वाले टाइम में यहाँ पे रोड्स बन जाएंगी तो अच्छा रहेगा। अपनी दुलारी पूरी मिट्टी में एकदम से पैक्ड हो रखी, इसको नीचे जाके धोऊंगा। और यार यही कहना चाहूँगा आखिरी में कि अगर आप यहाँ आते हो तो सबसे पहले ये चीज़ माइंड में रखना कि यहाँ के लोगों का कल्चर और जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं उनको आप ज़रूर रिस्पेक्ट करें।
भाई जिस साइड पे चील उड़ रही है ना वो साइड पे हम, और ये चीन ये जो भी है वल्चर है चील है भाई मेरे ऊपर ही राउंड मारे जा रहा है बार बार। और ये था यार सारा ऑफ रोडिंग वाला पैच जो स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से अपनी पक्की रोड स्टार्ट हो जाती है, ऊपर के लिए रास्ता नहीं जाना अपने को, नीचे जाना है, ये बोर्ड आता है जहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो और बहुत थ्रिलिंग लगा हो आपको, बहुत एडवेंचरस लगा हो, और ऐसी ही एडवेंचरस वीडियो के लिए यार बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए एडवेंचर के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक गुड बाय, टाटा, जय हिंद।